हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके नॉलेज फॉर ऑल। माय सेल्फ कनुप्रिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ICAR-JRA फॉरेस्ट्री सॉल्ट पेपर 2016। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ICAR-JRA फॉरेस्ट्री सॉल्ट पेपर 2019 एंड 2020 की वीडियो जो है हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। आप हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही कुछ मॉडल क्वेश्चन भी हमारे चैनल में अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 के सॉल्व पेपर। सो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ICAR-JRA, नेट, SRF, फॉरेस्ट्री एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। हमारे कोर्स की प्राइस है 1500 रुपये, जिसमें आपको आपकी प्रिपरेशन बहुत हेल्प होने वाली है। सो आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं, हमारे जिसमें हम आपको आपकी सिलेबस की पूरी कवरेज देंगे। साथ ही आपको नोट्स, PDF, लेक्चर वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 1 रिवीजन ई-बुक फॉरेस्ट्री की, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ ही आपको मॉक टेस्ट, जिसमें 5 से 6 मॉक टेस्ट जो हैं वो ICAR-JRA के होंगे। सो नोट्स प्लस मॉक टेस्ट की जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है, जिसमें आपको अदर फॉरेस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक स्वेट्स एंड BHU की भी प्रिपरेशन आपको हो जाएगी। सो आप बिना देर किए हमारे कोर्स को खरीदें, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप कोर्स खरीदने के लिए हमारे यहाँ मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, बाकी डिटेल जो है हमारे स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। सो आज की क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सेकेंड, स्पाइक डिजीज इन सैंडल इज कॉज्ड बाय, स्पाइक डिजीज इन सैंडल इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज फॉर्म्ड इन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज फॉर्म्ड इन 1980। नेक्स्ट, लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर, लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1984 की फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो अभी लेटेस्ट की है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। नेक्स्ट, बायोडीजल प्लांट इज, सो बायोडीजल प्लांट किसे कहते हैं, जट्रोपा। नेक्स्ट, ऑफेंस एंड डिफेंस चलान इन द फॉरेस्ट एक्ट कम्स अंडर द सेक्शन, ऑफेंस एंड डिफेंस प्लांट, ऑफेंस एंड डिफेंस चालान जो है फॉरेस्ट एक्ट में, वो फॉरेस्ट एक्ट के चैप्टर 9 में आता है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज कॉल्ड एज, सो ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज इज इकोटोन। नेक्स्ट, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी वॉज गिवन बाय AG टेंसले। नेक्स्ट, इन फॉरेस्ट्री DBH इज मेजर्ड एट द हाइट ऑफ, सो फॉरेस्ट्री में जो DBH मेजर किया जाता है वो 1.37 मीटर में किया जाता है। यहाँ सेंटीमीटर और मीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। सो आंसर इज 1.37 मीटर। नेक्स्ट, इन इन द स्लोपी एरिया DBH इज मेजर्ड फ्रॉम, सो स्लोपी एरिया में DBH किधर से मेजर किया जाता है, अपहिल साइड से। नेक्स्ट, विच नाइट्रोजन बेस्ड इज फाउंड इन ओनली इन RNA, सो RNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, दैट इज यूरेसिल। एडेनिन, थायमिन एंड ग्वानिन जो है वो RNA DNA दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनेल हैव स्ट्रोमा एंड ग्राना लैमेले, सो आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीटिंग फैक्टर इज, सो ओजोन डिप्लीटिंग फैक्टर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट इज अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल एनर्जी, सो अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल एनर्जी CNG, प्रोपेन, बायोगैस, सारे जो हैं वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल एनर्जी है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, सो मैं वीडियो जो है थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत हैं। नेक्स्ट, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन, सो इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन रांची। नेक्स्ट, ICFRE वॉज फॉर्म्ड इन, सो ICFRE दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन इज फॉर्म्ड इन 1901। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन भोपाल। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन बेंगलोर। नेक्स्ट, द शेप ऑफ टिपिकल शेल्टर बेल्ट इज, शेल्टर बेल्ट की जो शेप होती है वो किस तरह की होती है, ट्राइंगुलर। नेक्स्ट,
टेबल बेस्ड ऑन वन वेरिएबल, जो टेबल फॉर्म किया जाता है, जो वन वेरिएबल पे टेबल बनाया जाता है, उस टेबल को क्या कहते हैं, लोकल वॉल्यूम टेबल. नेक्स्ट, वन एग्जाम्पल ऑफ हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सो हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज स्पीगल रेलेस्कोप. बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड डेंड्रोमीटर से जो है हाइट मेजरमेंट नहीं किया जाता है. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट, द कैनोपी रेंज ऑफ डेंस फॉरेस्ट इज, सो कैनोपी रेंज ऑफ डेंस फॉरेस्ट इज लेस देन वन. नेक्स्ट इज, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व एट अ डिस्टेंस ऑफ, सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व एट द डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर. नेक्स्ट, फॉरेस्ट इज अ, सो फॉरेस्ट क्या है, एक लैटिन वर्ड है. नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर दैट कॉज अपरूटिंग ऑफ सीडलिंग, सो अपरूटिंग ऑफ सीडलिंग का फैक्टर क्या होता है, सो विंड एंड रेनफॉल, दैट इज बोथ ए एंड बी, विंड एंड रेनफॉल दोनों जो है अपरूटिंग ऑफ सीडलिंग के कारण है. नेक्स्ट, पार्टिकल डेंसिटी इज हायर देन, पार्टिकल डेंसिटी इज हायर देन बल्क डेंसिटी. नेक्स्ट, सॉइल हैविंग pH 3.2 इज, सो अगर सॉइल का pH 3.2 है तो वो सॉइल कैसा होगा, एसिडिक. नेक्स्ट इज, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज, सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू अनदर ऑफ अ सेम प्लांट क्या होता है, ऑटोगैमी एंड एलोगैमी बोथ. सो आंसर इज बोथ ए एंड सी. सो गाइटेनियोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, वो होता है गाइटेनियोगेमी. नेक्स्ट इज, नॉइस पॉल्यूशन इज मेजर्ड, सो नॉइस पॉल्यूशन किस में मेजर किया जाता है, डेसीबल. नेक्स्ट, द आरएनए व्हिच कैरी इंफॉर्मेशन इज, सो आरएनए दैट कैरी इंफॉर्मेशन इज एमआरएनए. नेक्स्ट, इन ट्री डैम्पिंग ऑफ इज कॉज बाय, सो ट्री में डैम्पिंग ऑफ जो होता है वो किस वजह से होता है, फंगी की वजह से. नेक्स्ट इज, द नेम ऑफ टिक डिफोलिएटर इज, टिक डिफोलिएटर इज हाइपीलिया पुरुया. नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम एन एरिया एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूली वेजिटेशन इज कॉल्ड, सो रिमूवल ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम एन एरिया एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूली वेजिटेशन इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट इज, द प्रोसेस ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री डी एंड डी आर यूजली डन इन विच वेज, सो एग्रोफॉरेस्ट्री में डी एंड डी यूज किया जाता है वो किस वे में किया जाता है, बोथ मैक्रो डी एंड माइक्रो डी. नेक्स्ट इज, मैक्रो डी एंड डी कवर्स, सो मैक्रो डी एंड डी में क्या होता है, इंटायर इकोलॉजिकल जोन विद इन अ कंट्री, हम जो इंटायर जोन होता है इकोलॉजिकल जोन कंट्री में, उसे मैक्रो डी एंड डी में कवर किया जाता है. नेक्स्ट इज, अ फैमिली ऑफ प्रोसीड्योर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लैंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल एंड द डिजाइन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री सॉल्यूशन इज कॉल्ड, सो आंसर इज सी, एग्रोफॉरेस्ट्री डी एंड डी. फुल फॉर्म ऑफ डी एंड डी इज, सो यहाँ पे फुल फॉर्म आपको याद रखना है, डायग्नोसिस एंड डिजाइन. नेक्स्ट इज, विच इज और आर नॉट अ मेन क्राइटेरिया फॉर गुड एग्रोफॉरेस्ट्री डिजाइन, सो मेन क्राइटेरिया फॉर गुड एग्रोफॉरेस्ट्री डिजाइन तीन तरह का होता है, डेट इज प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड अडॉप्टिबिलिटी. सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्राइटेरिया नहीं है फॉर गुड एग्रोफॉरेस्ट्री डिजाइन. नेक्स्ट इज, ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन टू, सो स्ट्रक्चरल बेसिस एग्रोफॉरेस्ट्री को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है. नेक्स्ट इज, द क्रॉप लैंड लेफ्ट विदाउट क्रॉप फॉर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम वन सीजन टू सेवरल ईयर इज कॉल्ड फेलो लैंड. नेक्स्ट इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेलो इज, सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेलो इज टू कवर रिकवर डिप्लेटेड सॉइल न्यूट्रिएंट, सो सॉइल न्यूट्रिएंट को रिकवर करने के लिए फेलो लैंड फेलो किया जाता है लैंड को. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज एलेक्रॉपिंग ऑल्सो नोन एज, एलेक्रॉपिंग ऑल्सो नोन एज हेजर क्रो इंटरक्रॉपिंग. नेक्स्ट, अ मेथड ऑफ प्लांटिंग इन विच रोज ऑफ ट्री आर इंटरस्पर्स्ड विथ रो ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड, सो ऐसा मेथड जिसमें रो ऑफ ट्री को इंटरस्पर्स्ड किया जाता है रो ऑफ क्रॉप के साथ, उसे क्या कहते हैं, एलेक्रॉपिंग. नेक्स्ट, विच सॉइल न्यूट्रिएंट इज मोस्टली प्रोवाइडेड टू प्लांट इन एलेक्रॉपिंग प्रैक्टिस, सो नाइट्रोजन सॉइल न्यूट्रिएंट जो है उसे हम एलेक्रोपिंग में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. नेक्स्ट, ग्रिगेरियस फ्लावरिंग अकर्स इन, ग्रिगेरियस फ्लावरिंग जो होता है वो किस में होता है, बैम्बू में.
नेक्स्ट स्पेसिंग बिटवीन रो टू रो इन एले क्रॉपिंग. सो रो टू रो क्या होता है स्पेसिंग 4 to 8 meter. नेक्स्ट स्पेसिंग बिटवीन ट्री विद इन रोज इन एले क्रॉपिंग. सो विद इन रोज क्या होता है स्पेसिंग 0.25 to 2.0 meter. नेक्स्ट विच ट्री स्पीसीज इज मोस्टली मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एले क्रॉपिंग. सो मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एले क्रॉपिंग ट्री स्पीसीज दैट इज लेग्यूम ट्री स्पीसीज. नेक्स्ट अ बेल्ट और ब्लॉक्स ऑफ ट्री और श्रब स्टैब्लिश एट राइट एंगल टू द प्रिवेलिंग विंड इज कॉल्ड. सो आंसर इज शेल्टर बेल्ट. नेक्स्ट आइडियल विथ ऑफ शेल्टर बेल्ट इज सो विथ जो होता है शेल्टर बेल्ट का वो कितना होता है 50 meter. नेक्स्ट द रेशियो ऑफ हाइट एंड विथ फॉर शेल्टर शुड बी. सो रेशियो ऑफ हाइट एंड विथ क्या होता है 1:10. नेक्स्ट अ टिपिकल शेल्टर बेल्ट हैज अ शेप ऑफ. सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में भी किया. क्या होगा इसका टिपिकल शेल्टर बेल्ट का शेप क्या होता है ट्रायंगुलर शेप. नेक्स्ट द मिनिमम लेंथ ऑफ शेल्टर बेल्ट शुड बी अबाउट इट्स हाइट. सो शेल्टर बेल्ट में की जो लेंथ होती है वो उसकी हाइट की कितनी टाइम्स होनी चाहिए 25 times. नेक्स्ट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ राइनोसोरस इज 450. नेक्स्ट हिप्पोपा रेमिनोइड्स इज फाउंड इन द रीजन. सो हिप्पोपा रेमिनोइड्स इज फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट. हिप्पोपा रेमिनोइड्स एक तरह का प्लांट है जिसे सी बेरी भी कहते हैं. नेक्स्ट बकरवाल ट्राइब इज रिसाइडिंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. सो बकरवाल ट्राइब्स इज जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर की ट्राइब्स है बकरवाल ट्राइब्स. नेक्स्ट इज लोकल कंट्रोल इज नॉट यूज्ड इन. सो लोकल कंट्रोल इज नॉट यूज्ड इन CRD दैट इज कंप्लीटली रेंडोमाइज डिजाइन. नेक्स्ट साइंटिफिक नेम ऑफ रेड पांडा. सो साइंटिफिक नेम ऑफ रेड पांडा इज एलोरस फिलजेंस. नेक्स्ट इज पार्शल रूट पैरासाइट. सो पार्शल रूट पैरासाइट क्या है सैंटलम एलम दैट इज सैंडलवुड. नेक्स्ट इज पार्शल स्टेम पैरासाइट इज. सो पार्शल स्टेम पैरासाइट क्या है विस्कम एंड लेरेंथस बोथ. सो आंसर इज डी बोथ ए एंड सी. नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म ईटन बाय ओन स्पीसीज. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने ही स्पीसीज के द्वारा खाया जाता है उसे उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं कैनिबलिज्म. नेक्स्ट ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज एंड डाइवर्सिटी इज. सो आंसर इज इकोटोन. नेक्स्ट विच स्पीसीज स्पीसीज विच अकर मोस्ट अबंडेंटली एंड स्पेंड देयर टाइम इन इकोटोन आर कॉल्ड. सो आंसर इज एज स्पीसीज. नेक्स्ट द टेंडेंसी टू इंक्रीज वेराइटी एंड डेंसिटी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म एट द कम्युनिटी बॉर्डर इज नोन एज. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा एज इफेक्ट. नेक्स्ट इकोलॉजिकल नीस टर्म वॉज गिवन बाय. सो आंसर इज ग्रीनर. नेक्स्ट द फंक्शनल रोल ऑफ एनी स्पीसीज इन एन इको सिस्टम और कम्युनिटी और इट्स फंक्शनल पोजिशन और स्टेटस इन एन इको सिस्टम इज कॉल्ड. सो किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसका रोल या फंक्शन अपने हैबिटेट में वो क्या कहलाता है नीश. नेक्स्ट फिजिकल एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव. सो फिजिकल एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैनॉट को एग्जिस्ट इनडिफिनेटली एंड द कम्पिटिटिव इंफीरियर आर विल बी इलिमिनेटेड इवेंचुअली. सो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी दैट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज द गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मे बी ट्रू इफ रिसोर्स आर. सो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कब सही होगा जब रिसोर्स जो है वो लिमिटेड होगा तब वहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा तब दो रिलेटेड स्पीसीज जो है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है को एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है और हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैच कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द इंक्रीमेंट इन ग्रोथ दैट टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर ईयर. सो पर्टिकुलर ईयर में जो ग्रोथ इंक्रीमेंट होती है उसे क्या कहते हैं करेंट एनुअल इंक्रीमेंट. नेक्स्ट इज द इंक्रीमेंट इन ग्रोथ दैट टेक्स प्लेस फॉर एनी शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड. सो शॉर्ट पीरियड के लिए जो होता है उसे क्या कहते हैं
periodic annual increment. Next is the total increment up to a given age divided by that age is called mean annual increment. Next is the mean annual increment at rotation age is called. So at mean annual increment at rotation age is called final mean annual increment. ये सारी जितने भी चीज़ें हैं हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हम कर चुके हैं. नेक्स्ट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ इन वॉल्यूम ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम आइदर एट बिगनिंग और मोर यूजली हाफ वे थ्रू द पीरियड इज कॉल्ड इंक्रीमेंट परसेंट. नेक्स्ट इज इन द बिगनिंग एम ए आई कीप्स बिलो. सो इन द बिगनिंग एम ए आई जो है हमेशा सी ए आई के बिलो रहता है. नेक्स्ट इज द सी ए आई अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू बिफोर एम ए आई. नेक्स्ट विच इज नेवर फॉल अप टू जीरो इन होल लाइफ ऑफ ट्री. सो एम ए आई जो होता है वो कभी जीरो पे फॉल नहीं करता है. नेक्स्ट विच मे फॉल्स अप टू जीरो इन होल लाइफ ऑफ ट्री. सो सी ए आई जो होता है वो जीरो तक जो है फॉल करता है. नेक्स्ट द रिलेशन of the increment during a given year to the volume at the beginning of year is known as so current increment percent. Next is the relation of increment during a given year to a basic volume which may be taken as the mean or average volume for the period or the volume at the beginning of period is called so answer is periodic increment percent. Next is the percent ratio which the MAI for a given age bears to the total volume at the age is called. So answer is mean annual increment. Next is Pressler's formula for increment percent is given as. So Pressler formula के बारे में भी हम लोगों ने अपने पिछले videos में discuss किया है. So इसका answer क्या हो जाएगा? That is P is equal to V minus V that is divided by V plus V into 200 by N. Next is most convenient formula for finding the increment percent of standing tree is that developed by. So most convenient formula increment percent के लिए किसके द्वारा find किया गया था? So answer is Professor Skanders in 1853. Next is Skanders formula is based on the determination of the. So Skanders formula is based on both diameter at breast height and the number of the ring in the last centimeter of the radius. So answer iska kya ho jayega? D, that is both A and B. Next, Skanders formula for increment percent is. So Skanders formula kya hota hai? So answer iska kya ho jayega? P is equal to 400 by ND. So hum logon ne Skanders formula ke bare mein bhi pichle video mein discuss kiya hai. Next, a fast growing species in which is one which yields a minimum. So fast growing species कि जो किसे कहेंगे जो मिनिमम 10 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर की यील्ड दे उसे हम कहेंगे फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज. नेक्स्ट वर्ल्ड फॉरेस्ट एवरेज मीन एनुअल इंक्रीमेंट इज. सो वर्ल्ड फॉरेस्ट एवरेज मीन एनुअल इंक्रीमेंट इज 2.1 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर. नेक्स्ट अ फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज इन वन विच हाइट इंक्रीमेंट मस्ट नॉट लेस देन. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 60 सेंटीमीटर पर ईयर. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज मीन एनुअल इंक्रीमेंट फॉर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इज. सो मीन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इज 0.7 टू 0.9 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर. नेक्स्ट इज द इंक्रीमेंट इन द वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ ट्री और अ क्रॉप इंडिपेंड ऑफ एनी इंक्रीज in the price of forest produce resulting from any change in money value in general or the supply and demand position in a particular is called. So iska answer kya ho jayega? Quality increment. Next is the increment in price independently of quality increment resulting from any change in the market on an account of change in money value in general the demand and supply position in particular called. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइस इंक्रीमेंट. नेक्स्ट इज प्राइस इंक्रीमेंट एंड क्वालिटी इंक्रीमेंट कैन बी डिटरमाइंड एंड एक्सप्रेस इन द सेम वे एज वॉल्यूम इंक्रीमेंट परसेंट बाय यूजिंग. सो प्राइस इंक्रीमेंट और क्वालिटी इंक्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है एज वॉल्यूम इंक्रीमेंट परसेंट बाय यूजिंग प्रेसलर्स मेथड. नेक्स्ट इज
increment from CAI can be calculated by using, so increment from CAI is calculated by using area method. Next is determination of increment in irregular crop is done by using, so increment in irregular crop is done by using Andre's formula. Next is Biolichek method is used to determine increment and based on, so Biolichek method is based on successive inventories. Next is according to Biley the MAI can be calculated by using formula. So iska formula MAI ka kya ho jayega, MAI is equal to V2 minus V1 plus N minus V divided by N. Next is the interval into which the range of age of the trees grow in a forest is divided by. So iska answer kya ho jayega, answer is B, an age class. Next is the unit of yield regulation in both regular and irregular forest is. So in unit of yield regulation kya ho jayega, felling series. Next, the total volume of trees in a fully stocked forest with normal distribution of age class for a given rotation is called normal growing stock. Next is the relationship of a height of the form point above ground level to the total height of the tree is called form point ratio. Next is Hozier and Behre formula are used to determine. So ye kiske liye kya determine karta hai, diameter quotient. Next is the ratio of diameter of a stem at given height to the its breast height is called diameter quotient. Next is the area of the bole surface of a tree and a log can be calculated by the formula. So bole surface ka area calculate karne ke liye kaun sa formula use kiya jata hai, that is all of the above. So ye jitne formulas hain wo sare formulas jo hai wo use kiya jata hai. Next is the horizontal projection on the ground of the tree crown is called, so answer is crown cover. Next is which formula is and are used to calculate the volume of logs. So volume of logs ke liye kis formula ka use kiya jata hai, that is Millen's formula, Huber's formula and Newton's formula, all of the above. So answer iska answer kya ho jayega, sare formulas jo hain wo use kiya jata hai. So answer is all of the above. Next is Millen's formula for calculating volume of the log is, so Millen formula is S1 plus S2 divided by 2 into L. Next is Huber's formula for calculating volume of the log is, so Huber's formula kya hai, that is SM into L. Next is Newton's formula for calculating volume of the log is, so Newton's formula kya hai, that is S1 plus 4SM plus S2 divided by 6 into L. Next is Newton's formula is used to calculate the error in the volume calculated by. So Newton's formula is calculated the error in the volume calculated by, that is both A and B, that is Huber's formula and Millen's formula. Next is Millen's formula requires the which cross section of the log for volume calculation. So Millen's formula kis cross section ke liye use kiya jata hai, that is end cross section. Next is Huber's formula requires the which cross section of the log for volume calculation. So answer kya ho jayega, A, mid cross section. Next is the difference between volume obtained by Millen's and Newton's formula is, so difference between volume kya ho jayega isme, answer is B, that is L divided by 3 into S1 plus S2 minus 2SM. Next is volume obtained by Millen's and Newton's formula in case of cone and niloid, the error is, अगर हम किसी कोन या निलोइड में वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उसमें जो एरर होगा वो एरर कैसे होगा, नेगेटिव. नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑब्टेन बाय ह्यूबर्स एंड न्यूटन्स फॉर्मूला इन केस ऑफ कोन एंड निलोइड द एरर इज, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव. बोथ ह्यूबर्स फॉर्मूला एंड मेलेंस फॉर्मूला में अगर हम कोन और निलोइड में निकाल रहे हैं तो उसका आंसर, उसमें जो एरर होगा वो कैसा एरर होगा, नेगेटिव एरर होगा.
नेक्स्ट इज अन इंडियन वॉल्यूम ऑफ लॉक्स आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग. सो इंडियन वॉल्यूम्स ऑफ लॉक कैलकुलेटेड बाय यूजिंग वाटर गर्थ फॉर्मूला. वाटर गर्थ फॉर्मूला इन ब्रिटेन ऑल्सो नोन एज सो वाटर गर्थ फॉर्मूला इन ब्रिटेन इज ऑल्सो नोन एज हुप्पूज रूल. नेक्स्ट इज क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन वॉल्यूम ऑफ लॉग इज. सो क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज जी डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एल. नेक्स्ट इज क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला गिवन हाउ मच परसेंट ऑफ द ट्रू वॉल्यूम. सो आंसर इज 75.8%. नेक्स्ट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ स्टैक एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्यूबिक कंटेंट ऑफ द वुड इट्सेल्फ दैट इज सॉलिड वॉल्यूम कॉल्ड इज से क्या कहते हैं, स्टैक्ड वॉल्यूम. नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फायर वुड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग विच मेथड. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फायर वुड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग जाइलोमेट्रिक मेथड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड बोथ. नेक्स्ट इज विच इज और आर आर द मेथड टू डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज. सो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज किस मेथड से निकाला जाता है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑक्यूलर एस्टिमेशन मेथड, पार्शियली ऑक्यूलर और पार्शियली बाय मेजरमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड मेजरमेंट ऑल. नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज और आर यूज टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज इन इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड. सो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज इन इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड कौन सा मेथड यूज किया जाता है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज स्पिगल रेलेस्कोप, रेलेस्कोप, व्हीलर, पेंटा प्रिज्म, सारे जो है वो यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज आर नॉट यूज टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज मेजरमेंट. सो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्री इन इनडायरेक्ट मेजरमेंट कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता, दैट इज वुडन स्केल. नेक्स्ट इज अ टेबल शोइंग फॉर अ स्पीसीज द एवरेज कंटेंट ऑफ ट्री. लॉक्स आर सोन टिम्बर फॉर वन और मोर गिवन डायमेंशन इज कॉल्ड. इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम टेबल. नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ट्री डिपेंड मेनली अपॉन हाउ मेनी वेरिएबल्स. सो वॉल्यूम ऑफ ट्री डिपेंड्स थ्री वेरिएबल. नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ अ ट्री डज नॉट डिपेंड अपॉन विच वेरिएबल. सो वॉल्यूम ऑफ ट्री जो है तीन वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, दैट इज डायमीटर, हाइट एंड फॉर्म. सो इसमें से क्या किस वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज एरिया. नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर वॉल्यूम टेबल अमॉन्ग द थ्री वेरिएबल इज डायमीटर. नेक्स्ट इज जनरल वॉल्यूम टेबल इज बेस्ड ऑन विच वेरिएबल. सो जनरल वॉल्यूम टेबल जो है टू वेरिएबल पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज लोकल वॉल्यूम टेबल इज बेस्ड ऑन विच वेरिएबल. सो लोकल वॉल्यूम टेबल बेस्ड ऑन डायमीटर. नेक्स्ट इज वॉल्यूम टेबल विच इज बेस्ड ऑन वन वेरिएबल. सो वॉल्यूम टेबल बेस्ड ऑन वन वेरिएबल इज लोकल वॉल्यूम टेबल. नेक्स्ट इज खुश ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज. सो खुश ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम वेटिवर जिजाइनोइड्स. इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसे खस खस भी कहा जाता है, खस ग्रास. नेक्स्ट इज जिंजर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज. सो जिंजर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम सिम्पोपोकन मार्टिनी एंड द कॉमन नेम इज रोशा घास और इसे गंधर्व घास भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज जिरेन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज. सो जिरेन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑल्सो सिम्पोपोगन मार्टिनी. नेक्स्ट इज वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज. सो वुड किस स्पीसीज से मिलता है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, सैंटलम एल्बम, एक्विलेरिया अगालोचा एंड सिड्रस देवदारा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज वुड ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच वुड ऑफ द ट्री. सो वुड ऑयल किससे ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज सैप वुड, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, इन सारे से वुड ऑयल मिलता है. नेक्स्ट इज सेंटलोल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज. सो सेंटलोल इज ऑब्टेन फ्रॉम सेंटलम एल्बम. नेक्स्ट इज लीफ ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज. सो लीफ ऑयल जो है वो यूकेलिप्टस से ऑब्टेन किया जाता है.
नेक्स्ट इज विच इज कॉल्ड एज ब्लू गम ट्री. ब्लू गम ट्री किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस ग्लोबुलस. नेक्स्ट इज सिट्रियोडोरा लीफ ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज. सो सिट्रियोडोरा लीफ ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम यूकेलिप्टस सिट्रियोडोरा. नेक्स्ट इज कैम्फर लीफ ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज. सो कैम्फर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीनामोमम कैम्फोरा. नेक्स्ट इज मिंट लीफ ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज. सो मिंट लीफ इज ऑब्टेन फ्रॉम मिंथा अरबेंसिस. नेक्स्ट इज विंटर ग्रीन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज. सो विंटर ग्रीन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम गॉल्थेरिया फ्रेग्रेंटिसिमा. सो विंटर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम गॉल्थेरिया फ्रेग्रेंटिसिमा. नेक्स्ट इज रूट ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज. सो रूट ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम सेसोरिया लापा. नेक्स्ट इज वैलेरियन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द राइजोम ऑफ विच स्पीसीज. सो वैलेरियन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम वैलेरियन वेलिजी. नेक्स्ट इज फ्लावर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज. सो फ्लावर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव दैट इज पेंडेनन्स टेक्टोरियस अकेशिया फ्रेनेसियाना एंड माइकेलिया चंपा का. सारे से जो है फ्लावर ऑयल ऑब्टेन किया जाता है. नेक्स्ट इज दैट इज लास्ट क्वेश्चन. क्योरा ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज. क्योरा ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रोकस सैटिवस. सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन. सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सो ये थी आज की वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.